सो हेलो गेमर, स्वागत है आपका अपने चैनल कार गेमिंग एंड टिप्स में। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप पहले के दो जोन सेफ जोन के बाहर भी सरवाइव कर सकते हो, और वो भी बिना किसी मेडिकेट के हेल्प से। ऐसे तो नहीं होता है। और गाइस, OB37 अपडेट के बाद इसको इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया है कि इसको अब 80% से भी ज्यादा फ्री फायर प्लेयर्स यूज करने लग गए हैं। हाँ गाइस, पहले इस कैरेक्टर का यूज बस फुल मैप में रैंक पुश करने के लिए होता था, पर गाइस अब इसका यूज क्लैश स्क्वाड मोड में भी रैंक पुश करने के लिए होने लग गया है। तो हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ के कैरेक्टर के बारे में, जिसकी एबिलिटी तो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर OB37 अपडेट के बाद इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको के कैरेक्टर के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि इसकी एबिलिटी क्या है, वो कैसे वर्क करती है, और OB37 अपडेट के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल 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 स्टार्ट कर। तो गाइस, ये एक एक्टिव कैरेक्टर है और इसके पास तीन तीन एबिलिटीज हैं। इसकी पहली एबिलिटी यह है कि अगर हम इस कैरेक्टर को लेकर खेलेंगे तो इसके हेल्प से हम 220 ईपी तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली बाकी कैरेक्टर बस 200 ईपी तक स्टोर कर सकते हैं। और इसकी दूसरी एबिलिटी यह है कि ये हर 2 सेकंड में हमको 3-3 ईपी देता रहता है। और इसकी लास्ट एबिलिटी यह है कि ये हर 1 सेकंड में हमको 6-6 HP देता है। मुझे पता है गाइस, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो चलो गाइस मैं आपको इसकी एबिलिटी को यूज करके दिखा देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल कैरेक्टर से हम बस 200 ईपी तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि के कैरेक्टर से हम 220 ईपी तक स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो थी इसकी फर्स्ट एबिलिटी। अब मैं आपको इसकी दूसरी एबिलिटी को यूज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मेरे पास के कैरेक्टर है और ये मुझे हर 2 सेकंड में 3-3 ईपी दे रहा है। तो गाइस, ये थी इसकी दूसरी एबिलिटी जिसमें हमको हर 2 सेकंड में 3-3 ईपी देता है। अब मैं आपको इसकी तीसरी एबिलिटी को यूज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कैरेक्टर मुझे हर 1 सेकंड में 6-6 HP करके दे रहा है, मतलब इससे हमको हर 1 सेकंड में 6 HP मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो गाइस, ये तो थी इसकी एबिलिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एबिलिटी में OB37 अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइस, इसकी तीनों एबिलिटी में चेंजेस हुए हैं। पहली एबिलिटी में यह चेंज हुआ है कि OB37 अपडेट से पहले के कैरेक्टर 250 ईपी तक स्टोर कर सकता था, पर OB37 अपडेट के बाद ये 220 ईपी तक स्टोर कर सकता है। और इसकी दूसरी एबिलिटी में यह चेंज हुआ है कि पहले ये हमको हर 1 सेकंड में 3-3 ईपी देता था, पर OB37 अपडेट के बाद अभी हमको हर 2 सेकंड में 3-3 ईपी देता है। तो गाइस, इसकी पहली वाली एबिलिटी और दूसरी वाली एबिलिटी थोड़ी सी घटा दी गई है, और गाइस इसकी लास्ट वाली एबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। जैसे पहले ये हमको हर 1 सेकंड में 5 HP देता था, अभी हमको हर 1 सेकंड में 6 HP देता है। तो गाइस, ओवरऑल इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ईपी से ज्यादा HP मैटर करती है, और इसकी HP वाली एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी गई है, अभी हमको हर 1 सेकंड में 6-6 HP देता है। तो गाइस, मुझे तो इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और इस टाइम मैं इसी कैरेक्टर का ज्यादा यूज करता हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी एबिलिटी कैसे लगी और आप इसका यूज करोगे कि नहीं। सो आई होप गाइस, आपको इसकी एबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना मत भूलना।